राजनीति का और हर चुनाव का अपना एक रंग होता है, एक तासीर होती है। देश के प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, वो जब उत्तर प्रदेश में खेतों का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि हरी मिर्ची के और लाल मिर्ची के अलग अलग खेत कैसे होते हैं। वैसे ही अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों में शुरुआती दौर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हम यहाँ पर आलू की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। पता नहीं उन्हें ये मालूम है कि नहीं कि आलू की कोई फैक्ट्री नहीं होती। आलू दरअसल खेतों में उगता है, वहां से निकलकर जरूर फैक्ट्रियों में जाता है जहां पर उसकी अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, चिप्स बनते हैं और अलग अलग उत्पाद बनते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ लखनऊ से बाराबंकी के रास्ते में जिन खेतों में खड़े हैं वो नेताओं के भाषणों में और जमीन में उगने वाले इस आलू के बीच में कितना अंतर है वो बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर ठेके पर मजदूर लगे हैं बटाई के, ये मजदूर हैं जो 20 रुपये कट्टी यानी 20 रुपये बोरी में आलू को निकालते हैं जमीन से, साफ करते हैं और बोरियों में भरते हैं। इन बोरियों में पैक ये आलू दरअसल अच्छी गुणवत्ता का है, इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान में तो कई लोगों को खाने और देखने को नहीं मिलता, ये विदेश चला जाता है। जिसका ये खेत है निश्चित ही वो भी एक संपन्न किसान होगा, उसको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो ठेकेदार है ये गले में दुपट्टा सा डाले हुए, ये ठेकेदार इन मजदूरों को लेके आया है और जो जितनी बोरी आलू भरेगा दिन भर में उसको उतनी दिहाड़ी आज की मिल जाएगी। एक महिला ने कहा कि वो तो ज्यादा पैसे कमाना चाहती है लेकिन उसके हिस्से में 2 बोरी से ज्यादा यानी 2 कट्टी से ज्यादा आलू नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब उसको 40 रुपये मिलेंगे। अगर उसको दिन भर के 40 रुपये मिलेंगे तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। और दूसरी जो मजदूर काम कर रही थी खेत पर, पति पत्नी, उन्होंने जो कहा कि हम यहाँ खेत में से आलू निकालें या देखें कि कौन उम्मीदवार को वोट देना है, तो देश की जनता के की समस्याएं अलग हैं, उनके विमर्श अलग हैं। खेत में उगने वाले आलू की उगने से लेकर बीज बोने से लेकर उगने से लेकर और बाजार में जाने तक की पूरी एक प्रक्रिया अलग है और भाषण देकर आलू की फैक्ट्री लगवाने वालों की तासीर अलग है। इन सब के बीच में ही कहीं उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश का मतदाता खड़ा है। वो उत्तर प्रदेश जिसने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, उसकी जमीन पर उगने वाला ये आलू शायद अब तक के विकास को लेकर बहुत कुछ बयान करता है। कितना पैसा मिलता है? 20 रुपये फाजिल कहाँ दिए हैं? 20 रुपये तो 5 कट्टी से तो ठीक पैसा मिल जाता है, 100 रुपया करीब मिल जाता है। तो आप दोनों मिलके 5 कट्टी करते हो? अकेले 5 कट्टी। अभी क्या स्थिति है चुनाव का, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? साइकिल जीत रहा है कि कमल का फूल कि हाथी? पता नहीं, अब जोन सामने आ जाए। तो वोट देने तो जाओगे कि नहीं जाओगे? आलू काम लगे तो काम करेगी चलकर। तो वोट देने तो जाएंगे नहीं जाएंगे? वोट दे कहे न जीवे। ये दिन भर का मजदूरी में कितना मिलता है अम्मा? एक कट्टी का कितना मिलता है? 20 रुपये। दिन भर में कितना कट्टी कर लेते हैं? अरे भैया मिली गए कहो बहन मिली गई यू कहा पता। तो 2 कट्टी मिले तो 40 रुपया मिलेगा बस। वोट किसको देंगे? गोप को। क्यों? अरे बेटा सब गांव का दिया है ना, पूरा गांव दे रहा है उसको। तो आज जिस तरीके से इन खेतों में ये आलू है बोरियों में बंद, उसी तरीके से आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद सारे प्रत्याशियों की किस्मत हो जाएगी उस ईवीएम मशीन में बंद और फैसला 11 मार्च को निकलेगा। इन आलू की बोरियों के मुंह खोलेंगे तो कुछ लोगों का पेट भरेगा, उन मतपेटियों से निकलने वाला जो जनमत है वो किसकी जेब भरेगा, किसको सिंहासन देगा, किसको कुर्सी पर बिठाएगा और किसको सत्ता से हटाएगा, ये भी इसी जनता को तय करना है। सवाल सिर्फ ये है कि इस जनता के लिए प्राथमिकता आलू है, बाद में वोट है। इसके लिए चिंता करने वाले इनसे बहुत दूर कहीं खड़े हैं जनसभाओं और रैलियों में, जहां पर अगर ये गए भी तो इनको उन्हीं ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर ले जाया जाता है जिनमें कि आलू की बोरियां लदेंगी। हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि देश में प्राथमिकताएं तय करने में जो चूक हुई है वो इस आलू की खेती से लेकर देश के संसदीय गलियारों तक साफ दिखाई देती है, सिर्फ उन्हें जो देखना चाहते हैं।